हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो गाइज़, आज मैं दोबारा से आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग लेके, ब्रांड न्यू व्लॉग लेके, बहुत ही अमेजिंग कपड़े लेके, जो कलेक्शन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मैं आप लोगों को जो है, मेरे वीडियोस का पर्पस यही होता है कि आप लोगों को बेस्ट चीज़ें दिखाना, बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें, मतलब कभी भी जो है कोई आम सी चीज़ नहीं दिखाना, हमेशा आपको क्वालिटी दिखाना। और आपको अगर मैं ब्रांड्स दिखाती हूँ तो वो भी आपको बहुत ही अच्छी प्राइसेस पे दिखाती हूँ। उसके अलावा जो अगर मैं आपको कोई जो मार्केट के कपड़े दिखा रही हूँ तो वो भी आपको ऐसी क्वालिटी होगी जो कि ब्रांड से कम नहीं हो सकती, तो मतलब उनसे ज़्यादा हो सकती है, उनसे कम नहीं हो सकती। तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों को जो ये वाले जो ड्रेसेस थे, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि मैंने ख़रीदे थे अपनी क्लाइंट के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी रिव्यू करा दूँ कि किस तरह की चीज़ें उन्होंने ली हैं और क्या क्वालिटी है, क्या फैब्रिक है, क्या एम्ब्रॉयडरीज है, क्या कलर्स है, हर चीज़ जो है आप लोगों को भी मैं उसमें क्लैरिटी करा दूँ और आप लोगों को दिखा दूँ। क्योंकि ऐसे कपड़े जो हैं हमारे कई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये कपड़े जो होते हैं बहुत ही एवरग्रीन होते हैं। एक तो आप लोग हर तरह के इवेंट्स पर पहन सकते हैं, लाइक ईद हो गई या कोई शादी हो गई, कोई पार्टी हो गई, कुछ भी हो गया तो उस पर आप लोग पहन सकते हैं। तो अब आप इस पाउडर पिंक कलर वाले ड्रेस को देख सकते हैं, इसका भी स्टफ़ जो है प्योर, इसका शिफॉन है उसी के ऊपर है और काफ़ी इसका प्यारा स्टफ़ है, बहुत सॉफ्ट सा। उसके बाद ये पूरी की पूरी इस पर हैवी किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जिसके अंदर जो है शाइनी सा इसका काम हुआ हुआ है। तो फिर मैं आप लोगों को इसी वजह से रिव्यू करा रही हूँ, मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह की कलेक्शन है। और जो ये भी पूरा थ्री पीस ड्रेस है, इसके अलावा जो है दूसरा जो ब्लू कलर है जिसको जिंक कलर भी कहा जा सकता है या सी ग्रीन भी कह सकते हैं, और वो वाला भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मैंने सोचा आप लोगों को उसका भी पूरा जो है रिव्यू प्रॉपर दोनों ड्रेसेस का करा दूँ, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि मैं क्या चीज़ें ख़रीद रही हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए। और फिर जो उसके बाद ईद भी अब आने वाली है, तो इसी तरह से फिर मैं ईद की भी जो आपके साथ शॉपिंग हॉल है वो भी हम करेंगे। ओके जी गाइस, इन दोनों ड्रेसेस के अंदर कलर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे, ये नहीं कि जस्ट एक एक कलर ही हो। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस जो कि मैंने ओपन कर लिया, अभी मैं आप लोगों को इसका रिव्यू कराऊंगी कि किस तरह की चीज़ है, इसका क्या फैब्रिक है, आपको आगे से भी दिखाऊंगी इसका फैब्रिक एंड देन इसकी बैक साइड से भी दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरह की क्वालिटी है। आप इसको देख सकते हैं, ये बनारसी के ऊपर है जो कि सिल्क बनारसी होती है, इस तरह का इसका फैब्रिक है, जस्ट लाइक शमूज सिल्क होता है उस तरह के फैब्रिक के ऊपर जो है ना, ये सारा कुछ उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। एज यू गाइज कैन सी कि वरना जो होती है जो बनारसी होती है वो प्लेन होती है उसका फैब्रिक, लेकिन इसके ऊपर जो है पूरा इन्होंने मशीन वर्क कराया हुआ, ऊपर इनके सीक्वेंस वर्क है पूरा और थ्रेड वर्क है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। और ये वाला ड्रेस जो है इसकी शर्ट पूरी ऑल ओवर एम्ब्रॉयडर्ड है, इसी के फैब्रिक के अंदर स्लीव्स भी होंगे, इसी की जो पूरी शर्ट है, इसी की जो बैक साइड है वो भी सेम टू सेम होगी, स्लीव्स बैक एंड फ्रंट जो है ये सारी चीज़ें जो है वो सेम होंगी। उसके बाद जो है पूरी एम्ब्रॉयडर्ड होंगी, ऐसा नहीं कि इसकी स्लीव्स जो है वो प्लेन हो या फिर बैक जो है वो प्लेन हो, लेकिन ये जो है पूरी शर्ट इसकी ऑल ओवर जो है फ्रंट बैक स्लीव सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड है, उसके ऊपर सीक्वेंस वर्क है, इसके ऊपर इसकी जो स्लीव्स हैं वो भी पूरी की पूरी एम्ब्रॉयडर्ड है और बैक साइड भी। उसके बाद अब मैं आप लोगों को इसका जो खूबसूरत सा दिखा देती हूँ फैब्रिक की किस तरह से। अच्छा, इसका जो फैब्रिक है ये शेडेड फैब्रिक है, आप लोग जैसे देख सकते हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों को इसको करीब से दिखा देती हूँ एंड देन अब आप लोग इसकी बैक साइड भी देख सकते हैं कि बैक साइड से किस तरह से, क्योंकि ये बनारसी है तो बनारसी भी जो है इसका बहुत ही अच्छा वाला जैसे कि प्योर स्टफ होता है, तो उस तरह से इसकी बैक साइड से आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह का इसका शेड है, क्योंकि इसके जो शेड्स आगे से इस तरह है और बैक साइड पर इस तरह के थ्रेड्स यूज़ हुए हुए हैं। और ये पूरी की पूरी शर्ट है, मैंने आप लोगों को इसकी पूरी रिव्यू कराई, इसकी बैक साइड भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये पूरा ही जो हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है। ओके, नाउ ये इसका दुपट्टा आ चुका है जो कि ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, एंड दुपट्टा जो इसका ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर भी पूरी जो ये सीक्वेंस की लाइनें जा रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और इसको पहन कर कैरी कर कर ये ड्रेस बहुत ही एलिगेंट लगने वाला है, इसको आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ब्रांड्स भी इसी तरह की चीज़ें बना रहे हैं, और फिर ये जो ब्रांड्स हैं डिफरेंट जो होते हैं लोकली ब्रांड्स होते हैं ये लोग भी इसी तरह के बना रहे हैं, मगर जो इनकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप लोग इनका फैब्रिक भी देख सकते हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों को सारा कुछ जो जूम इन करा के और क्लोजअप्स दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्या चीज़ है, इसकी मटीरियल कैसा है और उसके ऊपर काम किस तरह से है। उसके बाद जो है अब मैं आप लोगों को इसका जो है पूरा रिव्यू कराने के बाद इसका ट्राउज़र भी दिखाती हूँ। ट्राउज़र जो है इसका वो भी बनारसी का है।
इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा एक शेड भी आ रहा है इस ड्रेस के अंदर। तो अब ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये वाला जो है पूरा ट्राउज़र है, और ये आप लोग देख सकते हैं डबल टोन के अंदर इसमें दो शेड्स आ रहे हैं, जैसे कि लाइट के अंदर एक तो गोल्डन भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके अलावा जो सी ग्रीन सा जो उसका कलर है वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद जो ये पूरा का पूरा बनारसी ट्राउज़र है, और मैं आप लोगों को इसको भी बैक साइड से दिखा देती हूँ कि किस तरह का इसका फैब्रिक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये टोटली सेम है, जैसे कि वो था शर्ट का अंदर से था फैब्रिक, सेम टू सेम जो है ट्राउज़र का भी उसी तरीके का फैब्रिक है। और ये पूरी इस ड्रेस की लुक है, जब ये स्टिच हो जाएगा देन इसकी जो फाइनल लुक होगी वो बहुत ज़्यादा प्यारी क्रिएट होगी, क्योंकि इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसका जो काम है एंड फैब्रिक जो है वो भी सारा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलते हैं अब दूसरे ड्रेस की तरफ। ओके जो गाइस, अब आ चुका है ये पाउडर पिंक वाला, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसका आप लोग कलर देखें, इतना क्यूट सा, जैसे कि लाइट सा कलर होता है, पेस्टल कलर्स के अंदर ये कलर आता है। और इसकी भी जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्योर टाइप का फैब्रिक। और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की एम्ब्रॉयडरी है, और पूरा जो है ये करीब करीब इसके ऊपर काम हुआ है, ऐसा नहीं कि दूर दूर से काम हुआ हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इसमें भी जो थ्रेड एंड सीक्वेंस का काम है, जस्ट लाइक जैसे थ्रेड के बने हुए फ्लावर्स, उसके अंदर फिलिंग जो है वो पूरी सीक्वेंस वाली हुई है। तो ये इसका इस तरह का एग्जैक्टली यही कलर है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा पाउडर पिंक या बेबी पिंक जिसको हम कहते हैं, ये वो वाला कलर है। लेकिन जो है ना, मेरी वीडियो के अंदर थोड़ी सी लाइट का जो इशू आ रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि हल्का फुल्का जो है वो शेड में डिफरेंस आ जाता है, मगर ये जो मैं अभी आप लोगों को कलर दिखा रही हूँ, दिस वन इज़ द एग्जैक्टली सेम। तो इसी तरह का ये ड्रेस है, और ये तो मैंने आप लोगों को अभी पूरा इसका ओवरव्यू करा दिया कि किस तरह का ड्रेस था, इसकी क्या क्या चीज़ें थी, ट्राउज़र कैसा एंड दुपट्टा। उसके बाद जब हम लोग चलते हैं अपने उसी पाउडर पिंक ड्रेस की तरफ, जो कि शिफॉन फैब्रिक के ऊपर है, और उसका पूरा फैब्रिक जो शिफॉन है उसमें कोई ऑर्गेन्जा यूज़ नहीं किया गया। तो अब मैं आप लोगों को जो है इसका अच्छी तरह से पिंक वाला ड्रेस का रिव्यू करा देती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो किस तरह से। अच्छा, अब इस ड्रेस की एक और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसकी जो शर्ट है वो पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड है, देन इसका जो दुपट्टा है वो थोड़ा लाइट एम्ब्रॉयडर्ड है, क्योंकि ऐसा ही होता है ताकि कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो छुप ना जाए कपड़ों के अंदर। आप लोग की जो पर्सनैलिटी वो बहुत ही बैलेंस्ड लगनी चाहिए कपड़ों से, ये ना हो कि आपकी पर्सनैलिटी दब जाए, छुप जाए, और कपड़े इतने हैवी हो जाए, उनके कलर्स इतने तेज़ हों, जो कि फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये आ गया, मैं आप लोगों को इसको करीब से दिखा रही हूँ, ताकि इसका भी जो कपड़ा है या फैब्रिक है आप उसको अच्छी तरह देख सकें कि किस तरह का इसका फैब्रिक यूज हुआ है। बहुत ही अमेजिंग फैब्रिक है, जस्ट लाइक प्योर फैब्रिक जैसे होता है, बहुत ही अच्छा सा प्योर सा स्टफ है। उसके बाद ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी आप लोग देख सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही नीट एंड फाइन है, जो कि बहुत क्लोज हुई है, ये इसकी बहुत अच्छी बात है। वरना क्या होता है कि अगर हम इस तरह से ड्रेसेस लेकर आते हैं तो उनके जो मोटिव्स होते हैं बहुत दूर और बहुत ही गैप्स के साथ बने हुए होते हैं, जो कि अच्छा नहीं लग रहा होता, और बीच में सारा जो है वो खाली फैब्रिक छूटा हुआ होता है, तो वो अच्छी चीज़ नहीं लगती। मगर इस ड्रेस के अंदर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको इसको बैक साइड से भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी है, जो कि पूरा थ्रेड वर्क है, देन उसके ऊपर जो है पूरा सीक्वेंस वर्क है। इसी वजह से मैं आपको क्लोजअप्स दिखा रही हूँ, ताकि आप इसका काम भी आप लोगों को आइडिया हो जाए। ओके सो गाइस, अब आ चुका है इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा। अब इसका जो दुपट्टा है उसकी बाउंड्री के ऊपर भी उसी तरह से सीक्वेंस एंड थ्रेड वाला काम है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से उसके किनारे हैं दुपट्टे के, जो बाउंड्री बनी हुई है, एंड देन सेंटर के अंदर जो है वो मोटिव्स हैं, दूर दूर स्मॉल मोटिव्स हैं, क्योंकि शर्ट ऑलरेडी इसकी बहुत ही फुल भरी हुई है। देन जो इसका दुपट्टा है वो उन्होंने जो थोड़ा लाइट रखा है, ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी लुक भी ना आए, तो एक बहुत ही सटल्ड लुक है। अगर शर्ट हैवी है देन दुपट्टा थोड़ा लाइट हो जाना चाहिए, अगर जो शर्ट लाइट सी है, प्लेन टाइप है, देन उसका जो दुपट्टा है वो हैवी होना चाहिए, तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने कल आप लोगों को लूलू सर वाला दिखाया ड्रेस, तो उसकी जो शर्ट थी वो लाइट थी, देन उसका दुपट्टा हैवी था, तो इसी वजह से ये कॉम्बिनेशन होता है, ताकि जो है ना बहुत ही एक अच्छी सी जो है ना बिल्कुल बैलेंस्ड लुक आए, ये ना हो कि एकदम से इंसान ऐसे झिलमिल करने लग जाए, तो वो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपकी जो पर्सनैलिटी वो पूरी दब के रह जाती, कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसमें आपकी पर्सनैलिटी खिली हुई नज़र आनी चाहिए, ये नहीं कि। ये था हमारा आज का व्लॉग, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।